श्री महावीर जयंती महोत्सव समिति की ओर से महावीर जयंती महोत्सव 14 से 16 अप्रैल तक धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। समिति अध्यक्ष अशोक पालावत ने बताया कि महावीर जयंती महोत्सव के तहत 14 अप्रैल को सुबह प्रभात फेरी 5 बजे, सुबह 9 बजे भव्य स्वर्ण रथ यात्रा, आकर्षक झांकियां, भजन मंडली के साथ श्री चंद्र प्रभु मंदिर से प्रारंभ होकर बजाजा बाजार और हॉप सर्कस, पंसारी बाजार, वीर चौक, बस स्टैंड, मोहिना बाबा की प्याऊ होते हुए नसिया जी पहुंचेगी, जहां झंडारोहण कार्यक्रम किया जाएगा। पूर्व न्यायाधिपति जेके राका राजस्थान हाईकोर्ट झंडारोहण करेंगे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धीरज जैन अति आयकर आयुक्त दिल्ली व बनवारी लाल सिंगल पूर्व विधायक अलवर होंगे। इसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। 16 अप्रैल को श्री जी का रथ नसिया जी से चंद्र प्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर मुंशी बाजार पहुंचेगा। इस मौके पर समिति पक्षियों के लिए 500 परिंडे लगाएगा। महावीर जयंती इस साल 2 साल बाद मनाई जा रही है। महावीर जयंती 14 तारीख से 13 तारीख की शाम से स्टार्ट होकर 16 तारीख की दोपहर के 11 बजे समापन होगी। अब की महावीर जयंती में सरकार की वजह से भी कुछ 144 धारा लगने के बाद हमने सरकार से संपर्क करके उनको आश्वस्त किया और उन्होंने हमको इसकी अनुमति दे दी कि आप जरूर बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से निकालिएगा। हम समाज के लोग इस बात से सही हो गए, समझ गए कि हमको शांतिपूर्वक ये सब काम करना होगा और ये काम सौहार्दपूर्ण तरीके से करें कि अलवर की जो गरिमा कायम है कि यहाँ कभी कोई झमेला टंटा फटा नहीं होता है वो कायम रहे। हम उसी मोड से इस को महावीर जयंती को मना रहे हैं और इस बार महावीर जयंती में हमको बहुत बड़े रूप से मना के काफ़ी हमारे पास लवाजमा भी है, काफ़ी हमारी महिलाएं, बच्चे और झांकियां और ये सब अपनी अच्छी खासी क्वांटिटी में निकलेंगी और ये सब की सब जुलूस में निकलते हुए और नसिया जी में जाकर ये 12:30 बजे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे झंडारोहण होगा। झंडारोहण होने के बाद झंडा गीत, ये सब चीज़ें हमारे जो परंपरानुसार है वो होंगी। उसके बाद जो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जे के राका रिटायर्ड जज हाईकोर्ट, उनको वो हमारा झंडारोहण करेंगे। उसमें मुख्य अतिथि धीरज जी जैन आयकर में हैं, बहुत बड़ी पोस्ट में हैं, अलवर के ही हैं और बनवाई लाल जी सिंगल है, ये हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। उसके बाद हमारे यहाँ झंडारोहण सब होने के बाद मंच पे आके सबका स्वागत होता है। स्वागत के बाद सकल जैन समाज का भोजन होता है जिसमें सब सकल जैन समाज आमंत्रित रहता है और वो सब भोजन लेते हैं। गर्मी को देखते हुए क्या विशेष रहेगा? गर्मी को देखते हुए हमने रास्ते में पानी की पूरी व्यवस्था करी हुई है, जगह जगह ठंडे पानी की और ठंडे पेय की भी व्यवस्था की हुई है और हमारे जुलूस के अंदर कम से कम 25-30 जगह हमारे सब जुलूस में जो भी चलते हैं साथ में उनको कभी भी पानी की या ठंडे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी हम विशेष ध्यान रखेंगे कि हम एक्स्ट्रा कोई ऐसा इंतजाम रखेंगे गर्मी से कोई भी हमारा समाज का आदमी या हमारी जो जुलूस में चलने वाले हैं कोई परेशान ना हो।